हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? तो चलो आज शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का टॉपिक होगा अपना इंडक्टेंस। आइए जानते हैं हम लोग इंडक्टेंस क्या है। तो इंडक्टेंस से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। जैसे मान लो कि आप, यह एक कंडक्टर है। क्या है? एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर को अगर आप एक विशेष प्रकार का आकार बना देते हैं, इस रूप में, यानी सोलेनाइड के रूप में अगर आप इसको बना देते हैं, तो इसका नाम हो गया क्या? अब इंडक्टर। पहले ये कंडक्टर के रूप में था और अब हो गया ये इंडक्टर, क्योंकि ये अब सोलेनाइड का रूप ले चुका है। इसी को कहते हैं हम लोग इंडक्टर। पहले कंडक्टर था और ये इंडक्टर था। आइए इसका एक सर्किट बना के देखते हैं कि ये काम किस तरह पर से करता है। आइए, ये आपका बैटरी है, इसमें एक स्विच लगा दो। इसमें सपोज करो कि हम इसमें 5 एम्पियर करेंट फॉलो करवाएंगे। ऐसे जरूरी भी नहीं है, लेकिन 5 एम्पियर। जब 5 एम्पियर ये अभी ओपन है, जब हम ये स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ ऑन करेंगे स्विच, तो इसमें एकाएक क्या होगा? करेंट फॉलो होना शुरू हो जाएगा। जब करंट फॉलो शुरू होगा, तो करंट एकाएक 0 से, पहले जब यह ओपन था तो करंट इसे फॉलो नहीं हो रहा था, यानी इसमें 0 करंट था। और जब हम इसको स्विच जैसे ऑन किए, तो इसमें करंट फॉलो होना शुरू हो गया। जब इसमें करंट फॉलो होना शुरू हो गया, तो एकाएक 5 एम्पियर तक तो नहीं जा गया। 0 से एकाएक 5 एम्पियर तो नहीं जाएगा। तो 0 से मान के चलो, 0 से 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3, 4 और इस तरह से 5 हुआ होगा। तो सबसे पहले करंट कहां पहुंचा होगा? यहां। सपोज करो यहां अगर 1 करंट 1 एम्पियर होगा, तो यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, मतलब इससे कम करंट होगा। ये 1 से कम करंट होगा। सबसे ज्यादा कहीं होगा तो वो इसमें होगा। सपोज कर लो अगर इसमें 5 एम्पियर करंट पहुंचा होगा, तो एकाएक सब में 5 तो नहीं पहुंचा होगा। 5 से इसमें कम होगा, इससे इसमें कम होगा, इससे इसमें कम होगा, इससे इसमें कम होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ 4 एम्पियर होगा, यहाँ 3 एम्पियर होगा, यहाँ 2 एम्पियर होगा, यहाँ 1 एम्पियर होगा। अब देखो सबसे ज्यादा करंट किसमें है, किस टर्म में? पहला वाला में, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, यानी देख इस तरह से है। तो आप जानते हो कि जब किसी कंडक्टर से होकर के हम करंट फॉलो करवाते हैं, तो उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको हम बी से डोनोट करते हैं, यानी बी बराबर हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट एन। ये हो गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड, कितने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड किस पे फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा है। इसमें उससे कम होगा, इसमें इससे कम होगा, इसमें इससे कम होगा, इसमें इससे कम होगा। तो इसमें जब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इससे जाके टकराएगा, इससे जाके टकराएगा। जहां तक ये अगर पास पास हो, तो दूर तक जाके टकराएगा, तो इससे टकराएगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? काटेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? चेंज करना चाहेगा, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा? एक करंट इंड्यूज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एक करंट इंड्यूस होगा। इसमें इससे ज्यादा करंट है, तो इससे जब ज्यादा करंट है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? चेंज करना चाहेगा। जब इसमें यह मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, तो इसमें भी क्या होगा? एक करंट इंड्यूस होगा। इसमें भी एक इसी तरह से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि करंट कम है। तो इसमें भी इसके विरोध में एक क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। यह करंट इस करंट का क्या करता है? विरोध करता है। यह करंट, इसमें जो करंट इंड्यूज होगा, वह इससे बहने वाले जो करंट है, इससे जो फॉलो होने वाली करंट है, इस करंट का यह क्या करता है? विरोध करता है। इस तरह से यह वर्क करता है। तो आपको पता ही है कि इसमें इंड्यूज करंट जो होता है, लेंज लॉ के आधार पर इसमें इंड्यूज करंट जो होता है, यह मेन करंट का क्या करता है? विरोध करता है। फिर आप सपोज कर लो कि हम इसको क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। जब इसको ओपन करेंगे, तो सबसे ओपन करने से पहले आप सपोज कर लो कि ये अब एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि पूरा यहां से वहां तक में सब में क्या हो जाएगा?
5 एम्पियर करंट आ जाएगा, क्योंकि बढ़ते 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 सब में 5 एम्पियर, जब इसको क्लोज करके रखे तो 5 एम्पियर हो गया। जब 5 एम्पियर हो गया तो इसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, इसमें भी इतना ही। जब सब में करंट बराबर होगा तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड किसको काटेगा? कोई सा किसी को नहीं काटेगा। जब इन्हें नहीं काटेगा तो इसमें उस टाइम में करंट इंड्यूस नहीं होगा। फिर से कब करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा? जब सपोज कर लो आप इसको फिर से स्विच को ऑफ करते हो, यानी इसको ओपन करते हो, तो इसमें क्या होता था, 5 एम्पियर जब आया तो इसमें 5 होगा, तो घटता हुआ महसूस होगा, यहां 4 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जब 1 हो जाएगा, अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे ज्यादा करंट किसमें है, इसमें है, इसमें कम है, तो इसका फ्लक्स इसको चेंज करना चाहेगा इसका, लेकिन ये चेंज नहीं होगा तो इसके बदले में इसमें क्या हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा, यहां 4 एम्पियर है, यहां 3 एम्पियर है, तो इसका फ्लक्स इसको काटना चाहेगा, तो इस टर्न में भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगा जो इस करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो ये इस करंट का अब इस सिचुएशन में क्या करता है, ये करंट का ये सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जब करंट इंक्रीज करता है तो उसमें इंड्यूस करंट जो होता है वह क्या करता है, मेन करंट का विरोध करता है। जब करंट डिक्रीज होता है उस टाइम में इसमें जो करंट इंड्यूस होता है वह इसका क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी जब करंट आपका इंक्रीज करता है तो उस टाइम में क्या होता है कि इसमें इंड्यूस करंट इस करंट का क्या करता है, मेन करंट, ये करंट जो है आई नोट करंट, इस करंट का विरोध करता है। जब डिक्रीज करता है तो ये इसका क्या करता है, सपोर्ट करता है। यही काम है किसका, इंडक्टेंस का। यही काम क्या है, इंडक्टेंस का। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर कैपेसिटर के तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी ये भी एक एनर्जी स्टोर करता है, क्योंकि जब ये करंट इसमें वोल्टेज एकाएक बढ़ता है लेकिन करंट एकाएक नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता है, तो आप देखो इससे बहने वाली जो करंट है, इससे जो फॉलो होने वाली करंट है, ये करंट इसका क्या करता है, विरोध करता है। तो करंट इसमें क्या होता है, धीरे 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 करके बढ़ता है, एकाएक करंट नहीं बढ़ता है, जबकि इसमें वोल्टेज एकाएक बढ़ जाता है। फिर जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो करंट जो है, ये टाइम है आपका, ये करंट है, ये करंट है आपका, ये जीरो, ये आपका क्या है, टाइम है। फिर जब हम लोग स्विच ऑफ करते हैं या चेंज होता है तो करंट धीरे 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 करके रिलीज होता है, धीरे धीरे करके वोल्टेज एकाएक हो जाता है, लेकिन करंट, क्योंकि करंट क्या करता है, इसका उस टाइम में करंट इसका सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये इंडक्टर भी एक तरह से कैपेसिटर के भांति एनर्जी स्टोर करता है। तो वह एनर्जी किस रूप में होगा, वह एनर्जी होगा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। किस रूप में, वह एनर्जी होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इसमें एनर्जी क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। और जब करंट डिक्रीज करना शुरू करता है तब यह क्या करता है, यानी कह सकते हैं जब करंट इंक्रीज करता है तो उस सिचुएशन में यह मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी क्या करता है, स्टोरेज करता है। और जब करंट डिक्रीज करता है तो उस टाइम में यह क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी को। किस चीज का रिलीज करता है, एनर्जी। वह एनर्जी किस रूप में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को क्या करता है, ये स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको देखते हैं कि ये पावर किस तरह से, इसका पावर प्योर इंडक्टिव का जो है तो वो पावर कितना होता है। जैसे आपको पता है अभी हम लोग पढ़े
कि करंट का क्या होता है, विरोध करता है। करंट का क्या करता है, विरोध करता है। मान लेते हैं कि ये इंडक्टर में रेजिस्टेंस नेगलिजिबल है, इस इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं के बराबर है। तो जब इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये पूरे इसे हम कहेंगे प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टर हो गया। जब ये प्योर इंडक्टर हो गया तो इसमें करंट जो है वो चलता है वोल्टेज से पाई बाय टू पीछे। कितना चलता है, पाई बाय टू पीछे चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें करंट क्या होता है, लेग करता है। करंट क्या करता है, लेग करता है। ये कैसे लेग करता है, आइए इसको पावर में हम देख लेते हैं। देखो सपोज कर लो ये क्या है आपका करंट, ये है आपका करंट, ये है वोल्टेज, ये क्या है आपका वोल्टेज, ये है आपका करंट। देखो जब वोल्टेज यहां मैक्सिमम पे है तो उस टाइम में करंट क्या है?